हेलो फ्रेंड्स टुडेज़ टॉपिक इज नोट मेकिंग। व्हाट इज नोट मेकिंग नोट मेकिंग इज़ एन आर्ट ऑफ राइटिंग नोट्स इन ए सॉलेम एक्सेप्टेड वे नोट मेकिंग एक कला है जिसके तहत नोट्स को एक विधिवत तरीके से और स्वीकृत तरीके से एक स्वीकृत फॉर्मेट में लिखा जाता है वाई नोट मेकिंग अब सवाल ये उठता है कि नोट मेकिंग क्यों सिलेबस में है और नोट मेकिंग क्यों क्यों पढ़ाया जाता है तो अदर देन द एग्ज़ामिनेशन इम्पॉर्टेंस नोट मेकिंग इज़ रिक्वायर्ड फर्दर फॉर कॉलेज स्टडी एंड इन वेरियस करियरस लाइक जर्नलिज्म तो एग्जामिनेशन इम्पॉर्टेंस तो है ही इसकी इसके अलावा नोट मेकिंग फर्दर जो कॉलेज स्टडीज़ हैं और जो वेरियस करियर्स जैसे कि जर्नलिज्म का या जो रिपोर्टर का करियर होता है उसमें नोट मेकिंग की बहुत इम्पोर्टेंस होती है नोट मेकिंग्स स्ट्रक्चर लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नोट मेकिंग द आंसर ऑफ नोट मेकिंग हैज फॉलोइंग पार्ट्स नंबर वन टाइटल नंबर टू बॉडी नंबर थ्री की टू अब्रीविएशन तो एक नोट मेकिंग के तीन इंपॉर्टेंट uh, पार्ट्स होते हैं पहला होता है टाइटल उसका दूसरा उसकी बॉडी और तीसरा होता है की टू अब्रीविएशन सबसे पहले बात करते हैं टाइटल की लेट्स टॉक अबाउट द टाइटल फर्स्ट टू अराइव ऑन ए लॉजिकल एंड कंक्लूसिव टाइटल रीड द पैसेज ट्राइस और थ्राइस आस्क योर सेल्फ ए क्वेश्चन वट इज द पैसेज ऑल अबाउट द आंसर इज योर टाइटल तो टाइटल को डिसाइड करने से पहले आप पूरे पैसेस को दो या तीन बार पढ़िए और उसके बाद अपने आप से एक प्रश्न कीजिए कि ये पैसेस किस चीज़ के बारे में है जो आपका आंसर होगा वही आपका टाइटल होगा तो टाइटल ना केवल लॉजिकल होना चाहिए बल्कि कंक्लूसिव होना चाहिए लॉजिकल का मतलब ये होता है कि सारगर्भित हो तार्किक हो कंक्लूसिव का मतलब सभी चीज़ों को कवर करने वाला हो तो टाइटल किसी एक पर्टिकुलर पैरा से कंसर्न नहीं होना चाहिए ये सभी पैरास को उस पैसेज के अंदर जितने भी पैराज हैं उन सभी को साथ लेकर एक कंक्लूसिव टाइटल निकलना चाहिए द टाइटल शुड नॉट हैव मोर देन फोर और फाइव वर्ड्स और एक टाइटल हमेशा फ्रेज़ के रूप में होता है सेंटेंस के रूप में नहीं हो नहीं होता है इसमें चार या पाँच शब्द से ऊपर नहीं होने चाहिए द टाइटल शुड बी कैची एंड अट्रैक्टिव आकर्षक होना चाहिए नंबर फोर इट शुड कवर ऑल द पैसेस नॉट ओनली सर्टेन पार्ट्स ये पहले ही मैं आपसे आपको बता चुका हूं कि पूरे पैसेस को कवर करना चाहिए टाइटल ना कि पार्ट्स में कुछ जो पर्टिकुलर पैराग्राफ्स हैं उन्हीं को कवर करें उसके बाद बॉडी द बॉडी ऑफ नॉट मेकिंग इज मेड ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स सब टाइटल सब सब टाइटल वन सब सब टाइटल टू सब सब टाइटल थ्री सब सब टाइटल फोर दिस इज कॉल्ड ए ब्लॉक एन आंसर ऑफ नॉट मेकिंग में हैव एट एटलीस्ट फाइव ब्लॉक्स ऑफ दिस टाइप्स तो आपको ये जो दिखाई दे रहा है सबसे पहले टाइटल लिखा होना चाहिए टाइटल के बाद में एक सब साइट सब टाइटल और उसके ठीक नीचे चार या पांच आप सब सब टाइटल लिख सकते हैं इसको हम एक ब्लॉक कहते हैं और नोट मेकिंग में आपको कम से कम ऐसे चार से पाँच ब्लॉक ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए द ले आउट्स ऑफ द नोट मेकिंग नोट मेकिंग के क्वेश्चन के कुछ लेआउट्स होते हैं जिन्हें इंडेंटिंग भी कहा जाता है ये दो तरह की एक्सेप्टेड इंडेंटिंग है जिसमें आपको पहली इंडेंटिंग ये दिखाई दे रही है जिसमें सबसे ऊपर टाइटल लिखा हुआ है और नंबर वन वन पॉइंट वन वन पॉइंट टू वन पॉइंट थ्री वन पॉइंट फोर या फिर नंबर टू टू पॉइंट वन इस तरह से ये इंडेंटिंग का टाइप दिया हुआ है और दूसरा इंडेंटिंग का टाइप दिस इज़ द अनदर टाइप जिसमें फर्स्ट का ए बी सी डी सेकेंड का ए बी सी डी आप इन दोनों में से किसी भी एक के साथ जा सकते हैं आई वुड प्रिफर टू गो विद द सेकेंड वन क्योंकि थोड़ा सा ये सेकेंड वन uh, बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है फर्स्ट वन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है तो गो विद द सेकेंड वन दीज टू टाइप्स ऑफ इंडेंटिंग और लेआउट्स आर देयर यू कैन गो विद एनी वन ऑफ दैम बट आई विफर बट द सेकेंड वन

कोई बहुत बड़ी स्पेलिंग होती है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देना ही एब्रीविएशन होता है इसका लॉजिक यही होता है कि बड़ी बड़ी स्पेलिंग लिखने के लिए टाइम हमारे पास में होता नहीं है और नोट्स हमें लेने होते हैं अगर हम किसी स्पेलिंग को बड़ा वो लिखेंगे पूरी तो उतने में हम महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं उनको स्किप कर सकते हैं इसीलिए एब्रीविएशन का यूज़ किया जाता है एक एग्ज़ाम्पल भी दिखाई दे रहा है आपको ई एन टी एच यू एक बड़ी स्पेलिंग है इसलिए इसको स्टार मार्क लगा के छोड़ दिया गया है और फिर नीचे इसमें की टू एब्रीविएशन में इसको एंथुसियाज्म लिखा जाता है यू कैन राइट सम वर्ड्स आल्सो इन द फॉर्म ऑफ साइंस जैसे ये एंड को लिखा गया है ये भी हम एब्रीविएशन में कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज इज वाई एब्रीविएशन समटाइम्स वेन वी टेक लॉन्ग नोट्स ये मैंने आपको बताई दिया है वी मे नॉट बी एबल टू राइट फुल स्पेलिंग्स ऑफ द वर्ड्स एज वी मे स्किप सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट वाई राइटिंग द फुल स्पेलिंग्स की टू एब्रीविएशन शुड बी टैग्ड एट द एंड ऑफ द आंसर आंसर के एंड में होनी चाहिए मेकिंग इट इज बेटर टू कीप इट इन ए बॉक्स अगर आप उसे बॉक्स में रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है ये आपको सैम्पल दिखाई दे रहा है एक मेकिंग का आप सबसे ऊपर देख सकते हैं द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इट इज द मेन टाइटल और उसके ठीक नीचे नंबर वन और नंबर टू करके एन इंट्रोडक्शन और नंबर टू रीजंस ये करके सब टाइटल वन और सब टाइटल टू लिखे हुए हैं और सब सब्टा, सब टाइटल वन के नीचे ए बी सी डी करके मैंने सेकेंड इंडेंटिंग को फॉलो किया है यहाँ पर ए बी सी डी के रूप में और उसमें सब सब टाइटल्स लिखे हुए हैं इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सभी जितने भी सब सब टाइटल्स हैं दीज ऑल आर सपोज टू बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रेजेज ओनली नॉट इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेज सेंटेंसेज नहीं लिखने हैं आपको केवल फ्रेजेस तो फ्रेजेस का मतलब अगर छोटे रूप में इसको कहें तो केवल मेन मेन पॉइंट्स उठा के लिखने हैं सेंटेंस नहीं लिखने हैं अगर सेंटेंस है भी सही तो उससे मेन पॉइंट आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए और उसी पॉइंट को लिख लीजिए सेकंड पॉइंट में देखिए रीजंस दिखाई दे रहे हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से चीजों को यूज़ किया गया है एब्रीविएशन को देखिए आप एक ब्लॉक में एक एब्रीविएशन डेफिनेटली यूज होना चाहिए फर्स्ट ब्लॉक में आपको दिखाई दे रहा है सी ए टी एस और उसके बाद में स्टार मार्क लगा हुआ है इसी प्रकार से सेकंड में भी सी ओ एन टी आर इस तरह से एक दो इसमें केवल दो ही ब्लॉक यूज़ किए गए हैं आपको कम से कम चार से पांच ब्लॉक यूज़ करने ही चाहिए नोट मेकिंग के क्वेश्चन में और नीचे दिया हुआ है की टू अब्रीविएशन्स बेटर ये रहेगा कि इसको उस हम बॉक्स में रखें नंबर वन नंबर टू अब्रीविएशन्स को आगे एक्सपेंड करने का लिखने का भी यही तरीका होता है जिस तरह से इसमें एक्सप्लेन किया गया है सी ए टी एस पहले स्टार वन सी ए टी एस और उसके बाद में उसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है या फुल एक्सपेंसन लिखा हुआ है कैटेस्ट्रॉफिक और दिस इज द वे इन विच वी अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑफ नोट मेकिंग एंड बिलीव मी दिस इज दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी लेकिन स्टूडेंट्स इसको छोड़ के आ जाते हैं और उनको लगता है ये बहुत टफ़ और डिफ़िकल्ट है ऐसा कुछ नहीं है टफ़ या डिफिकल्ट नहीं है यू कैन अटैम्प्ट और इसका कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं होता आपने जो आंसर बनाया वही इसका सही आंसर है केवल इन्हीं चीज़ों की जांच की जाती है कि जो आपका मेन टाइटल है वो सही है या नहीं है और अंदर जो सब सब टाइटल्स आपने उठाए हैं वो फ्रेजेस के रूप में उठाए हैं या नहीं इसका कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं हो सकता how the answer of not making is evaluated this is the another question which remains in the mind of the student while going for the examination and this definitely should be in their minds let's know this question is of 5 marks it is assessed as follows number 1 title for your title you are given one mark and title should be catchy attractive it should be appropriate and should cover all the passes not the uh, certain parts of the passes number 2 body this is of 3 marks uh, this particular part is just in the form of 1.5 plus 1.5 marks one and half mark is given for the uh, phrases and one and half mark is given for the proper language means use of sign marks and use of the punctuation marks and proper indenting all other things and the third one is key to abbreviation that is of 1 mark Examination tips. First tip it is very necessary for all the students that your not making should not be longer than the original passes. This has been seen most of the students' copies that generally when they write not making it their not making answer seems to be longer than the original passage. It should not be. The second thing is abbreviation should not be more than five. Number One, read the passes twice and underline important lines. Number two, think of a logical title and subtitles. Number three, divide whole the passes into logical subparts. Number four, don't use the sentences. use only phrases, means main important points, not the sentences. Number five, use punctuation marks like some of the punctuation marks are given there. Don't use more than five abbreviations abbreviations should be equally distributed means one block should have one ab abbreviation. It should not be that all abbreviations are being used only in one block. This is not the proper way. Follow any of the accepted layouts. so two layouts are there and as I have already said that uh, I would prefer for the second one. First a B c d like that. thank you please like and share subscribe my youtube channel dk english parshala thank you again